नमस्कार। आपने एक प्रश्न मुझसे किया था कि रुचि अभिवृत्ति अभिक्षमता में आपको बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न होती है कि तीनों अलग कैसे। वैसे तो बहुत सारे टर्म हैं आपका, जैसे अवधान हुआ, आपका इंटेलिजेंस हुआ, बुद्धि हुई, तो वो सारी चीज़ें भी कुछ मैच करती हैं, लेकिन कुछ एकदम लगभग सिमिलर चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैच करती हैं और आप उसको लेके काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो 2 मिनट लगेगा आपको उसमें, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगी कि कैसे इनमें डिफरेंस आपको देखना है। तो वो आपके टर्म है यहाँ पे रुचि अभिवृत्ति और अभिक्षमता। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है और एप्टीट्यूड है। तीनों में क्या डिफरेंस है? तो बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है। जैसे कहें कि हम आप में इंटरेस्टेड हैं, तो हमने लिया एक आम, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे कि आप आम में इंटरेस्टेड हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं मतलब आपकी आम में रुचि है, तो आप आम खाने का प्रयत्न करेंगे। अर्थात जब आप आम खा लेंगे तो संतुष्ट होंगे, ठीक है। जब आप आम खा लेंगे तो आपको क्या होगा, अच्छा फील होगा, आप प्रसन्न होंगे, आपकी संलग्नता होगी। अर्थात बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं और हम क्या होते हैं, उसकी तरफ झुक जाते हैं। अगर किसी भी चीज़ के प्रति आप झुक जाएं, जैसे अपोजिट आपका जेंडर हो या कोई भी चीज़, कहेंगे आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो जो आपका पॉजिटिव झुकाव, जो पॉजिटिव झुकाव होता है वही होता है रुचि, एकदम क्लियर कट। अगर आप किसी चीज़ पे झुक जा रहे हैं, आपको वो चीज़ चाहिए, वो पाके आप संतुष्ट हो रहे हैं, अर्थात उसके प्रति आप क्या कर रहे हैं, तत्परता दिखाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी इंटरेस्ट में आ जाएंगी, अर्थात रुचि के अंतर्गत आएंगी। अब ये तो हमने सुन लिया रुचि क्या है। दूसरा टर्म अभिवृत्ति, अब इसको अभिरुचि भी कहते हैं, आपको पता है। तो यहाँ अभिवृत्ति एटीट्यूड या अभिरुचि क्या है? अब फिर लिया हमने एक आम, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, आम आ रहा है, अभी बहुत महंगा, तो आपको बहुत मन करता है खाने का, और जब ज़्यादा हो जाता है तो आप बहुत उब जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आम पसंद नहीं करते, तो जो आम पसंद करते हैं वो उसमें इंटरेस्टेड है, ठीक। लेकिन यहाँ अभिवृत्ति इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, या तो आम पसंद करेगा या तो आम नहीं पसंद करेगा। अर्थात जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार का झुकाव हो, इससे थोड़ा सा हायर है। मतलब इसमें क्या, आप किसी चीज़ को देखें तो उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं, कोई चीज़ आपको आकर्षित करती है तो आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं, लेकिन ये क्या है, उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। अभिवृत्ति क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है। अर्थात जब भी हम अभिवृत्ति की बात करेंगे तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पक्ष आपके होते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आया अभिवृत्ति क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव झुकाव, यहाँ पे अभिवृत्ति कहा जाएगा। थर्स्टन की डिफिनेशन भी है, इसमें भी बहुत सारी डिफिनेशन है, आप देखेंगे किताबों में समझ जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है, नहीं होगा तो फिर से करूँगी, डोंट वरी। अब देखिए हम आए अभिक्षमता, तो यहाँ क्या लेंगे हम, अभिवृत्ति, वृत्ति मतलब किसी की तरफ टेंडेंसी, तो या तो टेंडेंसी होगी या नहीं होगी, तो होगी तो पॉजिटिव, नहीं होगी तो निगेटिव। अब अभिक्षमता क्या है, अब इसमें एक टर्म आपने देखा, क्षमता, योग्यता, दक्षता, अर्थात किसी कार्य को करने में, जब हम फंक्शन कर लें, कोई वर्क कर लें, या किसी वर्क के प्रति में दक्षता, जैसे कैसे कहेगा कि गणित में इसकी दक्षता, संगीत में इसकी दक्षता, भाषा में इसकी दक्षता है, व्याकरण में इसकी दक्षता है, तो अभिरुचि, तो रुचि तो ठीक है, इंटरेस्ट है, पढ़ सकता है, इंटरेस्ट है तो पढ़ना शुरू करेगा, ये है। तो या तो इसको पता होगा कि हमें क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नापसंद है, ठीक है, यहाँ तक तो पसंद तक आ गया आपका कि उसके प्रति झुकाव है, टेंडेंसी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डीप आप घुसेंगे तो आपका हो जाएगा अभिक्षमता। ये हर क्षेत्र में नहीं होती, ये पर्टिकुलर क्षेत्र में होती है। यहाँ ये जो होता है पूरा, ये अभिवृत्ति ये साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, अर्थात सिर्फ यहां पे दिमाग में हो रहा है। इसके 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और वो मनोचालक नहीं, यहां व्यवहारिक।
ये तीन चीज़ों में होता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारिक। ये आपका यंग ने कहा हुआ, मतलब सिर्फ ये साइकोलॉजिकल होता है कि अभी वृत्ति आपको कहीं दिखेगी नहीं, टेंडेंसी दिखाएंगे तो वो चीज़ें व्यवहार में आएंगी, लेकिन वो प्रोसेस पूरा साइकोलॉजिकल होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये दिखता भी है कार्यों में, जैसे कहीं गणित में दक्ष हैं, संगीत में दक्ष हैं, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, मैकेनिकल चीज़ों में, यांत्रिक चीज़ों में दक्ष हैं। तो ये दक्षता जब हमारी दिखाई जाए, योग्यता दिखाई जाए, क्षमता दिखाई जाए, ये आपका क्या जन्मजात होती है, और कभी कभी इसमें क्या चीज़ें अर्जित भी हो जाती है। तो जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की अभिक्षमता होती है। जब किसी चीज़ को करने में आप निपुणता दिखाएं, निपुणता, उसमें मैच्योरिटी दिखे आपको, आपके कार्यों में उसमें परफेक्शन दिखे, तो वो चीज़ आपकी अभिक्षमता कहलाएगी। ठीक है, जब हम सिर्फ दिखाएं कि हमको ये चीज़ चाहिए, हमको अच्छी लगती है, झुके पॉजिटिव रूप से, तो ये है रुचि। जब टेंडेंसी दिखाएं, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारिक पक्षों के अंतर्गत जो चीज़ें आपकी चीज़ें अच्छी पसंद या नापसंद आती हैं, वो क्या होती है अभिव्यक्ति, मतलब हमारा झुकाव है, हमारा झुकाव इस तरफ नहीं। जैसे हमको आम नहीं पसंद है, आप वहाँ खड़े होकर एक बंदा आम का रस पिएगा, दूसरा नहीं पिएगा। लेकिन ये क्या होती है, ये दक्षता होती है। तो ये दक्षता वो आम का रस बनाने की भी हो सकती है, आम को जल्दी से खाने की भी हो सकती है। तो ये कार्यों में दिखता है, ये आपकी जन्मजात भी होती है, और जन्मजात ही होती है, उसके बाद कुछ अर्जित भी हो जाती है, मतलब उसमें प्रशिक्षण देके इसको और निपुण बनाया जा सकता है। तो ये आपकी रुचि, अभिवृत्ति और अभिक्षमता है। और भी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और हमारे यहाँ जो सीटेट है, यूपीटेट है, उसकी ऑनलाइन बैचेस चल रही हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आप स्वतंत्र हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी टीम अच्छा वर्क कर रही है, तो आपको आप स्वतंत्र हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रही बात आपके प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स हम तक पहुँचाइए, फीडबैक हमको दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी एक एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।